हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीला का किचन। तो आज हम बनाएंगे तिल की मिठाई बोल सकते हैं या तिल पट्टी बोल सकते हैं, सर्दियों की मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये तिल। ये ब्राउन वाले हैं, वाइट वाले टेस्टी नहीं रहते। और इसमें थोड़ा डस्ट थी इसलिए मैंने धो के इसे सुखा लिया है। और अब हम इसको भून लेंगे। और इसको हम भून लेंगे। और ये सर्दियों के मौसम में तिल को वैसे भी खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म होती है इसकी तासीर, और ये हड्डियों को भी हमारी मजबूत बनाता है। तो ये अब चटकने शुरू हो गए हैं, तो हम एक दो मिनट और भूनेंगे इसको। और ये इसमें थोड़ा सा कलर में भी चेंज आ गया है, तो गैस को मैं अब बंद कर दूंगी। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये तिल हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, और इसमें से मैं एक चम्मच तिल, इतने तिल निकाल के अलग रख रही हूँ, और बाकी हम मिक्सी में पीस लेंगे। और ये मैंने पीस लिया है, और इसको इसी तरह से पीसना है, दरदरा, ना ज़्यादा बारीक ना मोटा। और इसको हम एक बाउल में पलट लेंगे। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये गुड़। गुड़ ये 400 ग्राम के करीब है। तिल हमने 500 ग्राम के करीब लिए थे और गुड़ 400 ग्राम। और अब हम इसे पका देंगे। और ये मैंने कढ़ाई को रख लिया है गरम करने, और इसमें मैं एक चम्मच घी डाल रही हूँ। और इसे हम गरम होने देंगे पहले। और ये गुड़ को मैंने कोट लिया है, और अब घी भी हमारा गरम हो गया है, और इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी। और गैस को मैंने लो फ्लेम पे किया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा, ताकि ये नीचे लगे नहीं। और इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने। और इसको लगातार ही चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं, नहीं तो ये बहुत जल्दी चिपक जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। तो ये पिघलना शुरू हो गया है गुड़। अभी इसमें बबल्स बनेंगे। और ये गुड़ पिघल गया है और अब पकना शुरू हो गया है। और इसे हमें लगातार ही चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, और इसके बाद हमें 3-4 मिनट और पकाएंगे इसको। और ये बबल्स आने बंद हो गए हैं, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। और इसका एक और तरीका है चेक करने का। ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है, और इसमें हम थोड़ी सी डाल के देख लेंगे। और ये जाते ही इस तरह से जम गई है, इसका मतलब हमारी चाशनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसको बनते हुए भी 12-13 मिनट हो गए हैं,
और अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसमें हम ये तिल का पाउडर डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे जमाने के लिए रख देंगे। और जमाने के लिए मैंने ये आइस ट्रे ली है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। और ये इसमें मैंने डाल लिए हैं और ये जो हमने थोड़े से तिल बचाए थे ये ऊपर से इस तरह से जल्दी डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है। और इस तरह से डाल देंगे और ऊपर से प्रेस कर लेंगे इस तरह से ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। और ये जो बचा हुआ है ये मैंने एक प्लेट में डाल रही हूँ और इस प्लेट में मैंने ग्रीस पहले ही कर लिया था और इसको इसमें सेट कर लेंगे। और ये जो तिल हमने रखे थे इनको भी हम ऊपर से इस तरह लगा देंगे। और ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इसे हम 2-3 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये जमने में उसी टाइम जम गई है, सिर्फ 2-1 मिनट लगे हैं इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और आराम से निकल भी गई है ये। और ये क्या है, तिल की पपड़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा तिरछे कट जाते हैं, सीधे पीस नहीं आते और इसमें हमारे बिल्कुल परफेक्ट पीस आए हैं। और इसके भी हम पीस काट लेंगे। ये बहुत जल्दी जम जाती है और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे हम। तो ये भी हमने निकाल लिए हैं। तो ये करारी भी बहुत बनी है, ये देखिए आवाज। तो एक बार बना के जरूर देखिए। तो ये बनके हमारे तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।